हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कर्मा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कर्मा झारखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ऐतिहासिक त्योहार है। काफी सारी बहनें उपवास की होगी, खूब मस्ती खूब एंजॉय कीजिए। आप सभी को कर्मा की और एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैक बोर्ड क्लास 8 एंड क्लास 9 वालों का मैं एक टेस्ट ले रहा हूँ 8, 9, 10 और 11 सितंबर को। और जिनका भी इस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसे मैं 1001 स्कूल बैग देने वाला हूं। तो इसी का आज हम लोग डेमो करेंगे कि किस तरीके से आप लोगों का टेस्ट होगा। सबसे पहले मैं टाइमिंग को थोड़ा सा चेंज किया हूं, उस पर बात कर लेता हूं। देखिए, मैंने पहले टाइम रखा था 6 बजे, 8 तारीख को भी 6 बजे, 9, 10, 11 को 6 बजे शाम में। लेकिन काफी लोगों को दिक्कत हो रहा है, कमेंट कर रहे हैं कि 6 बजे ट्यूशन है तो टाइम को थोड़ा आगे कर दीजिए या फिर टाइम चेंज कर दीजिए। तो सही है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग टेस्ट को दें। ट्यूशन या कोचिंग आप पढ़ते हैं तो भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, और टेस्ट भी नहीं छूटना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं टाइमिंग चेंज करके शाम 8 बजे कर रहा हूं। शाम 8 बजे, अगर आपके पास पर्सनल फोन नहीं है, आप अपने मम्मी पापा का फोन यूज करते हैं यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए, क्लास करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि शाम 8 बजे आई थिंक सभी के पेरेंट्स घर पर होते हैं, ठीक है, आपको मोबाइल के लिए भी दिक्कत नहीं होगा और साथ में आपका ट्यूशन भी 8 बजे आई थिंक कोई नहीं पढ़ता होगा शाम 8 बजे। तो 8, 9, 10 और 11 सितंबर को 8 बजे से 8:15 के बीच में आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। तो कैसे टेस्ट होगा अभी आप लोग डेमो देखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों के पास सिर्फ 15 मिनट का टाइम रहेगा टेस्ट देने के लिए और टोटल क्वेश्चन भी 15 रहेगा, MCQ क्वेश्चन रहेगा। और किस किस दिन कौन कौन सब्जेक्ट होने वाला है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो वही डेट पर वही सब्जेक्ट होगा। बस मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, जो कि था शाम 6 बजे उसको चेंज करके शाम 8 बजे कर दिया हूं, 8 से 8:15 तक। 8:15 के बाद अगर आप टेस्ट देते हैं तो फिर आपका एक्सेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। मैं गूगल फॉर्म में टेस्ट लूंगा, वहां से रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्स को ऑफ कर दूंगा, रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स को ऑफ कर दूंगा तो फिर आप टेस्ट नहीं दे पाइएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग डेमो देख लीजिए आप लोगों को किस तरीके से टेस्ट देना है। ये जो डेमो है ये आप अभी 8 तारीख तक कभी भी डेमो दे सकते हैं, इसे मैं ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोग तुरंत अभी डेमो नहीं दे सकते, इसलिए ये 15 मिनट वाला बस सिस्टम अभी डेमो में नहीं है। बाकी सब कुछ जैसे एग्जाम में आप लोगों का होगा, यानी कि जैसे टेस्ट में होगा उसी तरीके से अभी आप लोगों का डेमो होगा। तो चलिए सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक कीजिए, उसके बाद एक आपका आपके सामने आपके फोन पर एक पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप लिंक को टच कीजिएगा इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। अगर लिखा हुआ नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, बट चांसेस है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जरूरी है यहाँ पर, बिना ईमेल आईडी के आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर HDS लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए डिस्ट्रिक्ट लिखना है आपको। ये 3 चीज़ जरूरी है, ईमेल आईडी, नाम और डिस्ट्रिक्ट, ये 3 जरूरी है। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिमडेगा हो गया। उसके बाद आपको नीचे आना है क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके पास टोटल यहाँ पर 15 क्वेश्चन मिलेगा। आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन। तो चलिए मैं लास्ट 2 क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एकलिंगी पुष्प कौन सा है, तो यहाँ पर मक्का हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पर आप सरसों कर दीजिएगा इस तरीके से। आप जितना भी रहेगा क्वेश्चन सबको यहाँ पर टिक करने के बाद सबमिट में क्लिक कीजिएगा। सबमिट फॉर्म सबमिट करने के बाद यहाँ पर आएगा व्यू एक्यूरेसी, तो इसको आप क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितना आंसर सेलेक्ट किए हैं और कौन कौन सा आंसर सेलेक्ट किए हैं। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, बस आपको ये पता चलेगा कि आप कौन कौन सा नंबर का किस किस ऑप्शन को सही किए हैं। तो इसी तरीके से आपको टेस्ट देना है। और
जब आप सबमिट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका जो डाटा है वो मेरे पास आ जाएगा, मैं वहाँ से चेक करके आप लोगों को रिजल्ट दे दूँगा। यही है आप लोगों का डेमो और इसी तरीके से आप लोगों को फाइनल भी होगा। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट देना है। जैसे अभी आपने टेस्ट दिया, सेम टू सेम इसी तरीके से एग्जाम जो टेस्ट मैं लूंगा उसमें भी रहेगा, ठीक है। बस टाइमिंग को ध्यान देना है, 8:15 में बंद हो जाएगा जो पोर्टल है, मैं बंद कर दूंगा 8:15 में। तो जितना जल्दी हो सकेगा आप सबमिट कर लीजिएगा। और आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, ये तीन चीज कंपलसरी है, इसके बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए आप लोग डेमो दीजिए अच्छी तरीके से, और फिर अगर कोई दिक्कत हुआ है डेमो में तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्ट को दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस टेस्ट को दें, ठीक है। ये अलग बात है कि मैं सिर्फ किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकता हूं, टॉप वन को ही, बट आप सभी लोग इस टेस्ट को बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए इस टेस्ट में, और फिर इस टेस्ट को सक्सेस बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।